नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है हमारे चैनल पर कि सर इस वीडियो में इस स्टॉक्स के बारे में बताइए। तो वो स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्री। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री और HUL, दो शेयर में से कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों दोनों का बिजनेस मॉडल देखना है, दोनों का बिजनेस देखना, आगे का बिजनेस का ग्रोथ देखना है आपको, और खुद जज करना है दोनों में से कौन अच्छा। अभी फिलहाल की बात करें तो ब्रिटानिया और HUL दोनों शेयर अच्छा है, आगे कौन ज़्यादा मतलब किसका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करता है और उसके अनुसार स्टॉक जो है कैसा रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ, किसी किसी स्टॉक में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलता है, किसी में कंपनी में कम ही ग्रोथ होता है, लेकिन जो उसके स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलता है। लेकिन दोनों स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, रेगुलर टाइम पर आपको डिविडेंड देता है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक्स है। और साथ साथ जो FMCG सेक्टर का स्टॉक होता है वो इवर ग्रीन स्टॉक्स होते हैं, उसमें जल्दी आपको गिरावट देखने नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में, इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मंथली चार्ट पर यहाँ पर देखते हैं। मंथली चार्ट मतलब होता है कि अगर आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये स्टॉक्स बेहतर रिटर्न देगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मंथली चार्ट पर अगर हम बात करें तो 2002 से ही इस स्टॉक में देख सकते हैं कभी भी कमजोरी आपको देखने नहीं मिलेगा। इसमें गिरावट जब आया था देख सकते हैं कि अपना जो प्रीवियस लो है कभी भी ये ब्रेक नहीं किया है। 102 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ के यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ का जो स्टॉक का सपोर्ट प्राइस था उसको कभी ये ब्रेक नहीं किया। वहाँ से फिर यहाँ से जो है काफ़ी तेज़ी देखने मिला 2012 के बाद स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने मिला। मंथली चार्ट पर हम बात करें, आप वीकली चार्ट पर इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए फॉलो करते हैं तो वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं कभी भी वीकनेस आता है तब वहाँ पर आप एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट बनाया 2016 में, उस सपोर्ट को भी इन्होंने ब्रेक नहीं किया, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है स्टॉक, देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है ये स्टॉक्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक वोलेटाइल हो चुका है और मार्च में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था इस स्टॉक में, मात्र 2000 रुपीज़ के प्राइस पर यह स्टॉक मिल रहा था। तो दोस्तों मंथली चार्ट पर ये स्टॉक हमेशा बुलिश दिख रहा है, सिर्फ ये जो पैंडेमिक आया था इस पैंडेमिक को छोड़ दे, इस पैंडेमिक में ये अपना पिछला लो को ब्रेक कर दिया था। मतलब ये बात करें तो 2018 से ये स्टॉक जो है काफ़ी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब जो 2018 से है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो इसमें लगातार बुलिशनेस बना हुआ था वो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर, फिर हम इसको बात करेंगे मंथली चार्ट पर। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर देख लीजिए, ये स्टॉक अभी रेंज बाउंड हो चुका, इसी रेंज में ये लगातार ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं ये जो हमारा जो रेंज ये बना रखा है 3000 से 4000 ऊपर की ओर, और नीचे जो है इसका रेंज है 2000 से 3000, मतलब 2000 से 4000 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, अगर बाय भी करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए, ऐसे ये स्टॉक बता रहा है कि अभी आपको इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये 4000 के ऊपर चलता है तो आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए विथ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन बना सकते हैं। उसके बाद डेली चार्ट पर बात करते हैं, तो डेली चार्ट पर क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक्स अभी हमें बाय करनी चाहिए या नहीं। तो डेली चार्ट पे यहाँ आइए तो देखिए डेली चार्ट पर इसका जो चार्ट है काफी वीक दिखा दे रहा है, देख सकते हैं चार्ट में काफी वीकनेस है। यहाँ पर ये अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जुलाई में ये लगातार स्टॉक में गिरावट बन रहा है, देखते हैं इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की ओर है, लगातार अपना जो ट्रेंड है वो नीचे की ओर बनाए रखा, देख सकते हैं इस तरह से ट्रेंड इसका नीचे की ओर चल रहा है, लगातार ये ट्रेंड जो है नीचे की है। तो आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच करनी चाहिए कहाँ पर ये सपोर्ट लेता है। कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो, तो वो जो न्यूज होता है वो सारे मतलब सपोर्ट को और लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो इसलिए न्यूज से थोड़ा सा बच के रहिए। जैसे रिलायंस में जो न्यूज आया था, रिलायंस शेयर पूरी तरह से क्रैश हो गया, तो उसमें जो सपोर्ट प्राइस था 2000 का वो ब्रेक हो गया। तो इसलिए न्यूज जो होता है निगेटिव न्यूज है तो सारे सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे, तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है ताकि आप किसी भी न्यूज के कारण गिरावट आता है तो वो आपका प्रॉफिट बुक कर दे, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करा देगा। तो स्टॉप लॉस हम इसीलिए लगाते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम देख रहे हैं इस स्टॉक में अगर गिरावट आता है तो बेच देंगे, ऐसे जो गिरावट आएगा वो धीरे धीरे होगा, लेकिन जो न्यूज बेस्ड गिरावट होता है वो काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी तेज होता है। तो इसलिए दोस्तों जो न्यूज बेस्ड गिरावट होता है काफ़ी तेज, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये स्टॉक जो अभी अपना सपोर्ट बना रहा है वो है 3380 रुपीज़, इसके आसपास ये सपोर्ट बना रहा है, मतलब 3400 के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट बना रहा है
रहा है, लेकिन जब तक यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाता कि ये अपना यहाँ पर जो है सपोर्ट बना चुका है, तब तक हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। ये सपोर्ट कब पता चलेगा, जब यहाँ से ये ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद दूसरा जब ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम मान सकते हैं कि ये लगातार सपोर्ट बना रहा है, तो हम वहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ये जो प्राइस है, जो प्राइस यहाँ पर देख रहे सपोर्ट एरिया, इसके जस्ट नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो जैसे ये अपना सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक करता है कभी, तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो सपोर्ट बना करके ऊपर चलेगा तो ये फेक सपोर्ट होगा अगर फिर से ये इसे ब्रेक करता है तो इसलिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी काफ़ी रेंज बाउंड हो चुका है। अभी ये कोई खास रेंज में नहीं स्टॉक, ना तो लोअर ट्रेंड है ना तो अपर ट्रेंड है, कभी ये स्टॉक इसी रेंज में ऊपर आता है कभी नीचे आता है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करें तो अभी इस स्टॉक को आपको बाय नहीं करनी चाहिए, तो अभी हम इसमें वेट एंड वॉच करेंगे। 4000 से ऊपर निकलेगा तो पोजिशन ट्रेडिंग के लिए हम बाय कर सकते हैं, या ये स्टॉक नीचे करेक्ट होता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी सस्ते प्राइस पे स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को बाय करने का मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो जो इन्वेस्टर है उन्हें अभी SIP स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, और नीचे आता है तो और SIP करेंगे, नीचे आते जाएगा SIP करते जाएंगे, तो एवरेज रूप से आपका एक अच्छे लो प्राइस पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो जैसे स्टॉक फिर से रनिंग करता है, क्योंकि फंडामेंटल ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस के रूप में ये स्टॉक अभी लोअर ट्रेंड में है, तो ये सपोर्ट अपना कहाँ बनाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जैसे सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर अप ट्रेंड दिखाता है तो सबसे पहला जो इसका टारगेट होगा वो होगा 4000, उसके बाद ऊपर 4000 से ऊपर निकलता है तो फिर 5000 इजिली जा सकता है ये स्टॉक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस का, तो वैल्यूएशन पर चलते हैं। वैल्यूएशन पर जैसे क्लिक करते हैं इसका मार्केट कैप है 82000 करोड़, और इसका देख सकते हैं डिविडेंड है 3500% का डिविडेंड है, और अर्निंग पर शेयर 71 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 1 का है, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है देखते हैं। और जैसे प्राइस में करेक्शन आता है तो डिविडेंड यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो होता है वो हमारा स्टॉक के प्राइस का परसेंटेज होता है, कितना परसेंट डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन पर चलते हैं, तो देखते हैं कंपनी जो डिविडेंड हर साल देती है, 2020 में 2 बार, 2019 में 1 बार, 18 में 1 बार, 17 में 1 बार, तो 2020 में काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड कंपनी ने पे किया है। और बोनस की बात करें तो NCD देखते हैं 2-2 बार NCD बोनस के रूप में दिया है, उसके बाद 1999, 1989, 1987 तो रेगुलर इंटरवल पर कंपनी बोनस देती है। और स्टॉक स्प्लिट की बात करें 2 बार स्टॉक स्प्लिट हुआ है, 10 में 18 में, जो आपके लिए बोनस के जैसा कार्य करता है, इससे नंबर ऑफ शेयर्स आपके काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे आप कुछ शेयर प्रॉफिट के रूप में बुक कर सकते हैं और कुछ शेयर इन्वेस्टेड रह सकते हैं कंपनी में। तो दोस्तों ये खासियत होती है बोनस इश्यू का। उसके बाद बात करें इसके फाइनेंशियल का, तो फाइनेंशियल भी कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। सेल्स देख लीजिए कंपनी का 3000 करोड़ था सेप्टेम्बर 2019 क्वार्टर में, जो कि 3400 करोड़ हो चुका है सेल्स, तो सेल्स भी बड़ा है। वहीं प्रॉफिट देखिए 400 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास जा चुका है। एनुअल बेसिस पर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, देखते हैं प्रॉफिट में 800 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास, यहाँ पर सेल्स जो है 8000 करोड़ से यहाँ पर 12000 करोड़ के पास जा चुका है, तो सेल्स में भी काफ़ी वृद्धि हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कॉन्स्टेंट बना हुआ है, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 50% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब 50% हो 50% से अभव हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है प्रमोटर्स होल्डिंग। वही बात करें बैलेंस शीट का, कंपनी का बैलेंस शीट मतलब क्या दिखा रहा है, तो बैलेंस शीट पर चलते हैं, तो यहाँ पर हम कंसोलिडेट कर लेते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंपनी का कैसा है, तो यहाँ पर नीचे चलते हैं। जो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब टोटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, जो कि इन्होंने है वो 24000 करोड़ का है, और रिजर्व सरप्लस है 4344 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस। वहीं नीचे चलते हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है मात्र 35 करोड़ का है, और उसके बाद नीचे चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के पास है 766 करोड़ का, जो कि काफ़ी कम है, मतलब एक तरह से कंपनी के पास जो डेट है काफ़ी कम है, तो डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। और नीचे चलते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगा कंपनी के पास। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है 122 करोड़ है कंपनी के ऊपर, कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास, कैश और कैश इक्विवेलेंट मात्र 122
22 करोड़ का है, तो ये थोड़ा सा कम है। तो सारे पैरामीटर्स अगर देखें तो कंपनी काफी बेहतरीन है। उसके बाद आते हैं कंपनी के वेबसाइट पर। आप कंपनी के बारे में जानना है तो कंपनी की वेबसाइट सबसे बेस्ट सोर्स है जहां से आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो यहां पर आते हैं कंपनी वेबसाइट पर britannia.co.in पर। तो यहां पर कंपनी का प्रोडक्ट देख लीजिए, गुड डे हो गया, क्रैकर्स हो गया, उसके बाद यहां बहुत सारे बिस्किट्स हैं जिसके यहां पर सारे टाइगर ब्रांड हो गया देख सकते हैं। तो सारे ब्रांड के बारे में इसके जान सकते हैं। उसके बाद यहां बिट्स हो गया, डेयरी हो गया, केक्स हो गया, रस्क हो गया, तो यहां पर क्रीम बफर्स हो गया। तो यहां पर सारे सारे प्रोडक्ट जो है ब्रिटानिया के वो देश नहीं, मतलब ब्रिटानिया का कौन सा बिजनेस है, बिजनेस में कौन सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट के बारे में यहां पर आप जान सकते हैं ब्रिटानिया कंपनी का जो वेबसाइट है वहां पर आके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आपने लेवल और टारगेट जान लिया, कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, तो बिजनेस में क्या सेल्स में किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट में कैसे ग्रोथ हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आपको लगातार नज़र बनाए रखना है, फिर जाकर के आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।